दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हुआ है और 12 क्लास का पोस्टपोन हुआ है, यानी एग्जामिनेशंस का डेट आगे बढ़ गया है। तो बढ़ने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, जेई पे फर्क पड़ेगा, नीट पे फर्क पड़ेगा। नीट होने वाला है 1 अगस्त को, और पीजी का जो एग्जामिनेशन था उसके लिए बच्चे पोस्टपोन करने के लिए बहुत ज्यादा ट्वीट्स कर रहे हैं। तो आफ्टर सीबीएसई नीट एस्पिरेंट्स वांट्स एग्जाम टू बी पोस्टपोन, डिसीजन ऑन द आईसीएसई बोर्ड आल्सो। तो आईसीएसई का क्लास 10th और 12th का भी अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, तो आईसीएसई बोर्ड का करना है। यूपी बोर्ड का पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर बच्चे यही चाह रहे हैं कि जैसे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया 10वीं का, अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी तरह अदर जो स्टेट्स के बोर्ड है वो भी जो बचे हुए एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो जाए। तो यूपी का, हरियाणा का और भी अदर स्टेट्स का, उत्तराखंड का डिमांड करें कि हमारा भी 10वीं का कैंसिल हो जाए। इसी दौरान नीट का जो पीजी के एग्जाम्स होने वाले थे ऑन अप्रैल, जो 18 अप्रैल को होने वाले, इसके लिए भी बहुत ज्यादा ट्वीटिंग हो रही थी। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में अभी फाइनली हर्षवर्धन साहब ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम व्हिच वाज अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल 18, यानी 18 अप्रैल को होने वाला था। नेक्स्ट डेट टू बी डिसाइडेड लेटर अनाउंसेस यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, आप देख सकते हैं, ये साहब है साहिल मुरली मेघनानी, ब्रेकिंग नीट एग्जाम पोस्टपोन, फाइनली अ गवर्नमेंट बिजी इन इलेक्शंस फोर्स टू लिसन टू द स्टूडेंट। इलेक्शन में सारे बिजी है, इतने घने आबादी वाला जो स्टेट्स है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, यहाँ पे इतने कोरोना बढ़ रहा है, वहां पे रैलियां भी हो रही है। अभी यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं प्रधानी का, अभी बिहार में प्रधानी के इलेक्शंस होने वाले हैं, बंगाल में और अदर 5 स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं, उत्तराखंड में उपचुनाव हो रहे हैं, म्युनिसिपल का भी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो देश में इलेक्शन में घमासान चल रहा है, सारे नेता अपने करियर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट को कोई सुन नहीं रहा, लेकिन फाइनली स्टूडेंट को सुना है। और नीट 2021 जो पीजी एग्जाम होने वाले हैं वो पोस्टपोन हो गया है। अब क्लास 12 का एग्जाम जैसे डिले होगा तो नीट पे भी फर्क पड़ेगा, जेई के जो बचे हुए एग्जाम से इस पे भी फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों देखने वाली बात है कि सरकार कैसे क्या कदम उठाती है, लेकिन जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कम से कम सुनना चाहिए, आंख से देखना चाहिए सरकार को, कान से सुनना चाहिए। जनता ही उनको जीरो से हीरो बनाती है, और जब जनता जब डिमांड कर रही है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन कीजिए तो एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए, जब जनता कह रही है कैंसिल करना है तो कैंसिल करना चाहिए। यूपी बोर्ड के बच्चे 5 मिलियन से ऊपर है, 56 लाख के आसपास है, वो कह रहे हैं कि कैंसिल कीजिए, तो उनकी भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों जितना आप हैशटैग लगाते हैं, कमेंट करते हैं, उतना फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों का मेहनत ही है जो ये रंग लाया है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए हैं। तो आप अगर यूपी बोर्ड के हैं, हरियाणा बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने स्टेट का नाम और कैंसिल लगाइए, हैशटैग लगाइए, जितना कमेंट कर सकते हैं हर प्लेटफॉर्म पे कीजिए, मेरे वीडियो के नीचे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह जितना हो सके उतना कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हैशटैग हर जगह पकड़ा जाता है। हैशटैग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लगाकर नीचे कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, अदर जितने प्लेटफॉर्म से लगाइए, मुझे उम्मीद है कि आप जो चाहते हैं वही होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।